मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एट। हम क्लास एट का जो लेसन टू है उसका मैंने आपको पार्ट वन अगली क्लिप में बताया था। पार्ट टू मैं आज कर रही हूँ। हमारे लेसन का नाम है ट्रीज ऑफ काना किसली, यानी कि जो रोमांचक है काना किसली, उसके बारे में हमारा टॉपिक यानी कि हमारा लेसन था। अब आपको मैं आधा पार्ट वन मैंने आपको उसमें करवा दिया था, पार्ट टू में आपको इसमें करवा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए और ध्यान से पढ़िए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन और उससे पहले सभी बच्चे अपना अपना काम कर मुझे पूरा कर बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे अपना होमवर्क करके नहीं बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वर्क करके मुझे बताएं। हमारा जो लेसन था हमने उसको देव यानी कि यहाँ तक पढ़ा था। हमें इसके आगे से पढ़ना है, तो आप लोग पेज नंबर 7 निकाल लीजिए, यानी कि 7 पेज नंबर। 7 में जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ही ऊपर देव रेड, उससे वो नहीं पढ़ना है। वो हम लोग अगले उसमें पढ़ चुके थे, हमें उसके नीचे वाला लिख के वो भी पढ़ा था। अब एक और जो देव सेकंड नंबर पे लिखा हुआ रेड वाला, वहाँ से हमें अपना लेसन स्टार्ट करना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग सभी देखें इसमें। माय अंकल इज मैनेजर इन एमपी स्टेट। मेरे जो अंकल है वो कहाँ के, उस मध्य प्रदेश राज्य के एक मैनेजर है, मतलब जो मेरे अंकल थे वो वहाँ के मैनेजर है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट यानी कि जो पर्यटक आते हैं उस विभाग के वो मैनेजर है। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड, उनकी फिलहाल अभी वहीं पोस्टिंग यानी कि वहीं पर है। एट काना किसली में ही इन्वाइटेड टू अस ऑल टू सी इट, इसलिए उन्होंने हमें सभी को वहाँ पर मतलब देखने के लिए इन्वाइट यानी कि आमंत्रित किया था। तो इसलिए रिसेंटली आई विजिटेड काना किसली विथ माय पेरेंट्स, इसलिए हम कहाँ पर गए थे, मेरे पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ काना किसली गए थे। सुविज्ञा व्हाट डिड यू सी देयर, यानी कि तुमने वहाँ पर यू सी तुमने क्या क्या देखा वहाँ पर, तुमने वहाँ पर क्या देखा। दे आई वेंट टू बगीरा लॉक्स हट्स, मैंने वहाँ पर बगीरा लॉक हट्स देखा। यहाँ वहाँ का ये नाम है यानी कि जहाँ पर उसकी जो अंकल रहते हैं उस जगह का नाम क्या है, बगीरा लोग हट्स। किसली वेयर माय अंकल लिव्स, यानी कि उस किसली में उनकी जो अंकल रहते हैं। किसली हैज ए डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फॉरेसियस एनिमल, यानी कि उसमें खतरनाक वहाँ पर क्या है, खतरनाक जानवर भी रहते हैं। टूरिस्ट गो देयर, टूरिस्ट यानी पर्यटक आते हैं एंड इंजॉय आनंद लेते हैं द नेचुरल सीनरी, लुत्फ जंगल लाइफ, जो जंगल यानी कि जंगल की जिंदगी है, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, और जो पशी जो एनिमल यानी जानवर और बर्ड्स यानी पक्षी, जो पक्षी है जो पशु है जो पर्यटक आते हैं ना उन सबका वहाँ की प्रकृति का लुत्फ और आनंद लेते हैं, जो सीनरी यानी लुत्फ होता है। सुविज्ञा विच एनिमल, कौन से जानवर डिड यू सी तुमने देखे देयर, वहाँ पर तुमने वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखे हैं। देखो द मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा आकर्षित क्रिएचर ऑफ काना नेशनल पार्क है इज द टाइगर, मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला कौन से जानवर देखा है, वो है बाघ। लकीली आई हैड ए ग्लिम्स, मैंने वहाँ ऑफ द टाइगर यानी ग्लिम्स यानी होता है झलक, यानी कि मैंने टाइगर की झलक देखी है। पीपल गो ऑन एलिफेंट, जो लोग हैं ना यानी कि एलिफेंट के ऊपर बैठकर जाते हैं फॉर लोकेशन टाइगर, और टाइगर की जो लोकेशन कहाँ पर है वो देखते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग, या एक रोमांचक टू सी द टाइगर, टाइगर को देखने के लिए सिटिंग ऑन लाइन इनसाइड द डेंस, यानी कि एक तरफ डेंस और बशेष यानी कि झाड़ियाँ और है जिन्हें बचाओ यानी कि झाड़ियाँ जो हैं उनके पीछे बैठकर या छुप कर देखने का उनका एक अलग ही मजा है। किसको देखने का, टाइगर को जो बैठे रहते हैं वहाँ पर रहते हैं। आई सा, मैंने देखा एक टाइगर एक बाघ ड्रिंकिंग यानी पानी पी रहा था वाटर फ्रॉम द नियर बाय, पास में वो पानी पी रहा था, मैंने एक ऐसे टाइगर को देखा है। रिव्युलेट भी है, रिव्युलेट यानी होती है छोटी नदी, रिव्युलेट को हम बोलते हैं छोटी छोटी जो नदियाँ होती है ना, बड़ी नदी से छोटी नदी जो मिलती है उस छोटी नदी को हम क्या बोलते हैं, रिव्युलेट। वी हैपेंड टू सी ए टाइग्रेस, यानी कि टाइगर की जो टाइग्रेस यानी कि अब आप समझ सकते हो टाइगर की जो पत्नी होती है उसको टाइगर बोलते हैं। एलोंग विद हर टू, और उसके दो बच्चे यानी कि जो टाइगर की जो पत्नी है उसके दो बच्चे हैं वो वहाँ पर देखे साथ में कब्स यानी उसके बच्चे को बोलते हैं, टाइगर के जो बच्चे होते हैं उनको कब्स बोलते हैं। हर आईज, या उनकी आँखें बेयर फ्लैशिंग चमक रही थी,
लाइक ग्लास बॉल से, यानी ग्लास बॉल की तरह जो कांच की गेंद थी उनकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। सुनिए क्या, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, अटैक्स यानी कि आक्रमण, क्या वो पर्यटक पर आक्रमण नहीं करते हैं? दे वुड नॉट, जनरली सामान्यतः तो नहीं करते हैं। पीपल इंटर द फॉरेस्ट, मतलब जो पीपल यानी क्या होता है, लोग होते हैं, लोग इंटर द फॉरेस्ट, इंटर यानी कि अंदर जाना, और फॉरेस्ट यानी जंगल में जब अंदर जाते हैं, क्वेटली चुपचाप यानी कि बिल्कुल शांत जाते हैं। पीपल एंड इवन, लोग और भी, चिल्ड्रन उनके बच्चे भी, इंस्ट्रक्टेड, निर्देश टू कीप क्विट, यानी कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये बोल, मतलब निर्देश दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल शांत तरीके से यहाँ अंदर जाएंगे। इनसाइड एक तरफ का जंगल, और जंगल के एक तरफ वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और आप उनसे कुछ दूरी बनाकर, जैसे अभी सोशल डिस्टेंस चल रही है ऐसी वहाँ पर भी चलती है, यानी कि आप कुछ दूरी बनाकर रहेंगे वहाँ पर अंदर। इसमें क्या, aren't there some other animals, वहाँ पर क्या और जानवर नहीं है? कौन पूछती है, विज्ञा पूछती, क्या वहाँ पर और जानवर नहीं? अब आप लोग अपना पेज टर्न कर लीजिए और पेज नंबर 8 पर आ जाइए। देव, यस देयर आर, है वहाँ पर, वी सा ब्लैक बग्स, यानी कि काली बग के देखी है, चीता यानी बारहसिंघा देखा है, सांबर देखा है, डियर मिस हिरण होता है, स्पॉटेड एक धब्बेदार हिरण होता है, गोर्स यानी कि वो इंडियन एक जान, मतलब भारतीय जानवर है, हॉर्न यानी एंटोलेक्स बारहसिंघा देखा है, एंड स्टेक यानी कि और भी वहाँ पर जानवर मैंने देखे हैं। इट इज द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज, लेकिन वहाँ पर 20 प्रकार की और प्रजाति है। आप मम्मार्स यानी कि, और मम्मार्स यानी क्या होती, जातियाँ होती, वहाँ पर और भी प्रजातियाँ हैं। देयर आर पाम्स स्पारल यानी कि गिलहरी, वहाँ पर गिलहरी है, एप्स लंगूर है, मंकी यानी बंदर, जैकपॉल्स यानी गीदड़, वाइल्ड पिक्स यानी जंगली सुअर, वाइल्ड जंगली सुअर इसका नाम हालांकि लेना नहीं चाहिए लेकिन मैंने इसमें ले लिया, वाइल्ड डॉग्स यानी कि जंगली कुत्ता, और कजिन घास यानी कि चोसिंगा, और फ्लोर हॉन्ट एंटोलेप्स यानी कि लकड़ बग्गा, हेनास एंड जंगल कैट्स इन पेलेंटी यानी कि जंगली बिल्ली, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमने ये भी देखी यानी कि किस प्रकार की प्रजातियाँ हैं और ये सभी हमने वहाँ देखा है। स्विग्या, अरे इट मस्ट बी ए वंडरफुल प्लेस टू सी, वंडरफुल यानी कि आश्चर्य, यानी कि इतनी अच्छी जगह है इसको देखने के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगी। देव, इट इज़ रियली गुड थिंग, यह बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी है, इवन द बर्ड्स वहाँ पर लवर्स यानी बर्ड्स लवर्स यानी कि पक्षी जो प्रेमी, वहाँ पर जो पक्षी वो भी इसका आनंद लेते हैं, इंजॉय द साइट, वहीं पर उसका आनंद लेते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज यानी कि 200 प्रजातियाँ, हाँ बर्ड्स इन काना, वहाँ पर एक आना किसने में कितनी 200 प्रजातियाँ पक्षियों की भी है। वाटर बर्ड्स पानी पीने के लिए आर विजिबल नियर पुल्स, पास के पुल में वो आते हैं, अर्ली मॉर्निंग यानी कि अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जल्दी, एंड लेट आफ्टरनून और दोपहर होने से पहले आर द बेस्ट टाइम फॉर द वॉचिंग बर्ड्स, यानी कि उनको देखने का समय क्या है, सुबह जल्दी से लेकर दोपहर तक का उनका टाइम है, उनको जाकर देख सकते हैं। इवन फिर भी कॉमन फॉल्स यानी कि जो कॉमन पक्षी है, डव्स यानी कि पाखता, हॉक्स यानी कि बाज, ईगल्स मिस चील, पिजन मिस कबूतर, फ्लाई कैचर्स, वुड पीकर्स, लकड़ फोड़वा बोलते हैं इसको, उसका नाम है ये वुड पीकर, एंड अबेटेंटली फाउंड, और बहुत आएंगे ये सभी चीज़ें वहाँ, मतलब ये सभी पक्षी वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में हैं। सुनिए क्या, थैंक यू देव, धन्यवाद देव, यू हैव टोल्ड मी, मुझे बताने के लिए, प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, इस रोमांचक मतलब इस रोमांचक स्थान को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई शल मेक ए प्लान, मेक यानी बनाना, प्लान यानी योजना, मैं एक योजना बनाऊंगी टू विजिट यानी घूमने के लिए, कहना किसी विद माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ, नेक्स्ट समर यानी अगली समर यानी कि गर्मी में, वेकेशन यानी कि छुट्टी, अगले समर यानी कि अगली गर्मी छुट्टी में मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगी, वहां पर योजना बनाऊंगी घूमने जाने की। देव, बट मेक इट ट्राई टू रीच, वहां प्रयास करना पहुंचने का, किसली बिफोर द सनसेट यानी कि सूर्य अस्त होने के पहले वहां पर पहुंचने का प्रयास करना, सिंस जब व्हीकल आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट यानी कि जो व्हीकल यानी जो गाड़ियाँ होती है अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं देते, अगर जब सूर्य अस्त हो जाता है ना तब परमिशन नहीं मिलती, और अपन भी जानते हैं कि 5 बजे बाद कहीं पर पार्क में जाने की परमिशन नहीं मिलती, इसलिए हमें जल्दी जाना जरूरी है। द चिल्ड्रन वेयर, दोनों बच्चे ग्रीन कार्ड कहते हैं, द डिनर
फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन ए हैप्पी नोट, यानी कि उन दोनों की जो बातचीत थी वो समाप्त होती है, उनके पेरेंट्स उन्हें खाने के लिए बुला लेते हैं। तो मैंने आपको ये लेसन करवा दिया है, ये पूरा हो चुका है, पार्ट टू आपका लेसन टू कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसके पेज नंबर 10 की जो ऊपर जो ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो खाली स्थान है वो मैं अभी आपको फोटो सेंड कर देती हूँ, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं अगले उसमें भेजूंगी। और इसके साथ में मैं आपको एक और जो खाली प्लूरल वर्ड्स जो बहुवचन जो होते हैं वो भेज रही हूँ मैं आपको, है ना। तो आप लोग वो कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर मैं साथ में भेज दूंगी। ओके, थैंक्स, बाय।